মর্নিং সুমিত, গুড মর্নিং। আচ্ছা, আমি কি বলে রেকর্ডিংটা স্টার্ট করেছি, একটু কনফার্ম করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে। হ্যালো, স্টার্টেড না? স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে স্যার, চলো। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इक्विटी डेरिवेटिव, या फिर डिटेल्स में अगर बोला जाए, रिसेंटली जो चल रहा है दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस। तो अभी बेसिक्स और एडवांस के बीच में लटक रहे हैं हम लोग। बेसिक्स हुआ है और एडवांस में जाना है, बट हम लोग बीच में थोड़ा लटक रहे हैं। ऐसे ये लटकना अच्छा है। अच्छा, तो आई थिंक आप लोगों को लास्ट फ्यू क्लासेस, स्पेशली लास्ट 2 वीक्स का क्लासेस, आपको इतना नॉलेज दिया होगा कि वोलेटिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये वोलेटिलिटी का बात उठा था, मैंने जिस कारण से ये वोलेटिलिटी पॉइंट सामने आया था, अगर मैं उस मेन पॉइंट का नाम बताऊं, आप लोगों को पता है सर, दैट इज ऑप्शन ग्रीक भेगा, है ना। मेनली ऑप्शंस ग्रीक भेगा के कारण, डेल्टा गामा थीटा एंड द फोर्थ ऑप्शंस ग्रीक दैट इज भेगा, उसके कारण हम लोगों ने इतना ज्यादा बात कर ली वोलेटिलिटी में। और वो बहुत जरूरी चीज था लास्ट दिन, तो एक बहुत अच्छा चीज हुआ सर, आप लोगों को वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस के बारे में भी एक आइडिया लगा, है ना सर। वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस माने आपको वोलेटिलिटी बहुत हेल्प करता है मार्केट में। जब ट्रेड आप इनिशिएट करते हैं तो उसके ऊपर बेस करके आपको स्टॉप लॉस लगाने में, है ना, तो बहुत ही साइंटिफिक एंड कैलकुलेटिव वे में आपका ट्रेड सेटअप बनाने में आपको वोलेटिलिटी हेल्प करता है। वोलेटिलिटी को ऑलवेज एक इम्पोर्टेंस देते रहना सर, और आप देखना कि आपके ट्रेड लाइफ में, मतलब जब भी आप ट्रेडिंग प्रोफेशनली और ज़्यादा रेगुलर बेसिस में स्टार्ट करोगे, आप देखिएगा कि आपको वोलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कितना काम आ रहा है, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हो या फिर कंपनी के लिए कर रहे हो, मैंने एज एन एडवाइजर रोल प्ले कर रहे हो, किसी और को एडवाइस कर रहे हो, हर केस में आप देखना कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, समय के साथ साथ आपको ये सारा डिटेल्स डिस्कशंस का जो पॉजिटिविटी है और जो इसका मेहनत का, जैसे बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाता है सर। यस, मेहनत तो रंग लाएगा ही, आज नहीं तो कल। तो देखते देखते हम लोग भेगा का जो मेन पॉइंट है उस पर थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं आज भेगा का जो यूज़ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा कि आखिर भेगा भेगा में देखना क्या है। और एक चीज़ मैं लास्ट दिन हल्का आइडिया दिया था कि सर, ये जो ऑप्शन चेन के अंदर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मैं अपकमिंग चैप्टर्स में बताऊँगा। अच्छा, उससे पहले एक बार देख लेते हैं सर आज का मार्केट का सिचुएशन क्या है। कल मार्केट डाउन जाके फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक किया, बाउंस बैक করেছে, তাই তো? হ্যাঁ, কালকে ভালো র‍্যালি করেছে স্যার, একটু সাইড বেসিস যাব না, কালকে সকালবেলা পড়েছিল তারপর মার্কেট আবার উঠেছে। হ্যাঁ স্যার, লাস্টে উঠে গেছে স্যার, ওই তিনটে ফেয়ারের জন্যই পড়েছে, বাজাজ ফিনসার্ভ, বাজাজ ফাইন্যান্স আর মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা। মহিন্দ্রা এন্ড মহিন্দ্রা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার উঠলো, ওঠালো কে? ওটা লো তো তোমার ফার্মা, ফার্মা ভালো র‍্যালি ছিল কালকে, ফার্মা ছিল, অটো ছিল, ফার্মা আর এনবিএফসি গুলো একটু বেশ পজিটিভ র‍্যালি দিচ্ছে। হ্যাঁ, এনবিএফসি ব্যাংকিং সেক্টরও ভালো র‍্যালি দিছিল, এনবিএফসি এনবিএফসি গুলো ভালো র‍্যালি দিয়েছে। এইচডিএফসি কিছু একটা হয়েছে না এইচডিএফসি তে, দেখছিলাম একটু খবরটা হালকা করে, ওই মার্চের জন্য মেবি কিছু ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে ওদের, মার্চ করবে বলে। কালকে আইটি কোম্পানি প্লাসে ছিল এইচডিএফসি। হ্যাঁ, কি হয়েছে? আইটি কোম্পানি গুলো একটু প্লাসে ছিল কালকে লাস্টের দিকে, আইটি কোম্পানি গুলো একটু প্লাসে ছিল। এখানে দেখছি হ্যামার ফর্ম হয়েছে, হ্যামার ফর্ম করেছিল এইচডিএফসি তে, দিয়ে দেখ কালকে, আজকে একটা গ্যাপ আপ ওপেনিং দিয়েছে, এখানে একটা হ্যামার দিয়েছে, দিয়ে একটা গ্যাপ আপ ওপেনিং দিয়েছে। ঠিক আছে, এরকম ক্যান্ডেল স্টিকস এন্ড চার্ট অ্যানালিসিস তো হতে রয়েগা স্যার। আমলোক চলো স্যার, জিস পয়েন্ট পে কন্টিনিউশনস কর রহে থে। मार्केट अभी थोड़ा सा आई थिंक हल्का फुल्का साइडवेज रहेगा, अगर पॉजिटिव कुछ गियर मिल जाए ना फिर से वो और एक रैली दे सकता है, चांसेस इज वेरी हाई, 19,000 छुएगा, ट्रेंड
ऐसा ही लग रहा है। अच्छा तो स्क्रीन शेयर है ना सर? तो मैंने आप लोगों को कल मैंने यस्टरडे आप लोगों ने कुछ ऐसे चीज देखा था, विक्स के बारे में मैंने बात किया था है ना, बेसिकली वोलेटिलिटी बेस्ड इंडेक्स है ना, जैसे निफ्टी प्राइस बेस्ड इंडेक्स होते हैं, विक्स जो है वो वोलेटिलिटी बेस्ड इंडेक्स होते हैं। और उसमें भी आपको बहुत हेल्प होता होगा कि किस तरह से आप वोलेटिलिटी को मेजर कर सकते हो और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड सेटअप भी कर सकते हो, स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर। लेकिन रही बात भेगा का, जिसके बारे में इतना बात हुआ वो भेगा गुस्सा हो जाएगा, बोले भाई हमारे बारे में कब बात करोगे। चलो सर भेगा भाई, आपके लिए बात करने का दिन आ गया। तो जैसे कि कल मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था कि वेन एवर देयर आर हैवी विंड्स, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग हमेशा थोड़ा सा डबल एप्लीकेशन वे में बात करते हैं ना, मतलब स्टॉक मार्केट छोड़ के भी दूसरे एरिया को हम लोग कभी कभी बीच बीच में लाते हैं, कभी क्रिकेट तो कभी बॉलीवुड तो कभी वेदर। जैसे कि ये वेदर वाला एग्जाम्पल हो गया कि वेन एवर देयर आर हैवी विंड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन योर हाउस स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग है ना वायलेंटली, ये तो होता ही है, सभी घर में होता है। एंड विद द इंक्रीज इन वोल्टेज फ्लक्चुएशन देर इज अ चांस ऑफ वोल्टेज सर्ज, एंड देयर फॉर आपके घर में मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है जो आपका जो घर के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाएगा, बिकॉज इतना करंट का फ्लो जरूरत नहीं था, जरूरत से ज्यादा फ्लो होने से डैमेज हो जाता है सर घर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। वी नो दैट सर, इसके बारे में हम लोगों को पता है, जैसे कि फ्यूज हो जाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, माने क्या कई बार क्या होते हैं इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन में सड़ जाता है, माने इतना ज्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लो तो वो डैमेज कर देता है सर। ऐसा सिस्टम स्टॉक मार्केट में भी देखा जाता है, व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, जब मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीजेस स्टॉक और प्राइस स्टार्ट स्विंग हेवीली, हेवीली स्विंग कर लेता है अचानक से। जैसे मैं कल भी आप लोगों को शो कर रहा था किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, कल के कौन से क्लास में कर रहा था, फाइनेंस के क्लास में कर रहा था, अचानक से एक स्टॉक में कौन सा एक एग्जाम्पल दे रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो खबर आया था उसके अरे बारे दादा में। हेलो हेलो, हाँ क्यों अच्छे की বলছি এটা বলনা আমি কালকে এটা বলতে ভুলে গেছিলাম যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয়েছে নীতিন গাডকারি, নীতিন গাডকারি কালকে বলেছে যে তোমার যত ট্র্যাক আছে না তোমার ডিটেল, ওর মধ্যে হচ্ছে তোমার এফি ক্যাবিনেট করতে হবে, তার জন্য 20% সাবসিডি তোমার সরকার দেবে। আজকে তো ওর ইম্প্যাক্টটা দেখো, আজকে আম্বার এন্টারপ্রাইজটা দেখো, অল টাইম আম্বার হাই আম্বার আম্বার এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজ। ভাই, এই এক ভোলাটিলিটি কা ওয়ান অফ দি কনসেপ্ট হ্যায়। পূর্বা কিছু বলছেন কি? হ্যালো পূর্বা, আনমিউট। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, না না পূর্বা আসলে এতে মন্দিরে থাকে তো ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে, মন্দিরে ও ওয়েট করে, আমি শুনতে পাচ্ছি আরতি হচ্ছে, আমি আরতির আওয়াজ পাচ্ছি, আদ্যা পিঠের আদ্যা পিঠের হ্যাঁ আদ্যা পিঠের আশীর্বাদ আমরাও পাচ্ছি। না না হাত তালে অন হয়ে গেছিল, আচ্ছা আমি বুঝতে ঠিক পারছি। আছে ঠিক আছে, মিউট করে দাও। ওকে, হ্যাঁ সুমিত কি বললি যেন, আম্বার এন্টারপ্রাইজ না, আর সুব্রো, সুব্রো তো 20% হাই আম্বার এন্টারপ্রাইজ দেখ, এটা এইটা আম্বার দেখছি তারা। বিলিংটা না না বল তারা তাহলে, বলছে, আম্বের এটা, হ্যাঁ AMBER, হ্যাঁ আম্বের, হ্যাঁ 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 আম্বের। ইয়ে ये দেখো ये जो সিচুয়েশনস হতে হয় না, ये বড়া ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনস হতে হয়, মানে ভোলাটিলিটি ऐसा পজিটিভ ভি হো সকতা হ্যায় নেগেটিভ ভি হো সকতা হ্যায়, বাট আগর অচানক ভোলাটিলিটি আ যায় না, ইসকো আইডেন্টিফাই করনা ইতনা ইজি নেহি হোতা হ্যায়, অর এসে সিচুয়েশনস সমঝ মে ভি নেহি আয়েগা সর। মতলব ইয়ে হো সকতা হ্যায় কি কোই বোলে সর এসে সিচুয়েশনস মে ট্রেড লে লেনা চাহিয়ে, সর নেহি সর এসে সিচুয়েশনস মে আপকো সমঝ মে নেহি আয়েগা আপ কেসে ট্রেড লোগে। जो जेन्युइन ट्रेड सेटअप होते हैं हम लोगों को पता है कि वो जेन्युइन ट्रेड सेटअप कैसे होते हैं, बट ये जो अचानक से जैसे सुमित ने बताया कि गडकरी साहब ने हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है सर सेंट्रल गवर्नमेंट में, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लीडरशिप क्वालिटी मुझे उनके अंदर दिखता है, ऐसा मुंहफट बोलता है और गलती को भी मान लेते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, काम कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है उनका। जो भी हो तो कॉन्फिडेंट है, यही चीज है कि अगर मिनिस्टर भी कॉन्फिडेंट हो तो फिर ये चीज अच्छा लगता है। तो जो भी हो उसका इफेक्ट आपको ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स में
नजर आ रहा है। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा फंडामेंटल में नहीं जाऊंगा, बट इफेक्ट जैसे एयर कंडीशनर एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी संभव हो, एसी कोनो पार्ट पार्ट बना। हाँ, मैं तेरा तेरा बात समझ गया मैं। मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर मैटर में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स में आया है ना, मैंने ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स में बोला बोल के, ये जो अंबर इंटरप्राइज है ये बेसिकली आई थिंक ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कुछ करता है। इसका एग्जैक्टली बिजनेस सिस्टम देखना पड़ेगा। ये वाला है क्या? हाँ, अंबर ग्रुप है। इसका बिजनेस का आप इसके अंदर जाके चेक कर सकते हो कि मेनली क्या करता है। यहाँ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, ट्रेन के अंदर एसी लगाना, गाड़ी के अंदर एसी लगाना, ये सब में काम करता है मेनली। ठीक আরেকটা কোম্পানি আছে দাদা, সুব্রোস, এটাও আমি অনেকদিন ধরে দেখছিলাম। है, তুমি দেখতে বস অকেলা অকেলা দেখতে মত রহো, জো ভি দেখ রহে হো সবকো বাতাও, খুদ ভি খাও দূসরে কো ভি খিলাও, ইসমে তুমারা ভি বড়েগা और दूसरे का भी बढ়ेगা। ফির মানে এতগুলো ওয়াচ লিস্টে রাখার হয়েছে তো ভুলে যায়, হট কি করে হয়েছে, একটা কে আবার কেউ কিছু একটা বললো, কে কি একটা বলছে? আমাদের একটা মেস ছিল গ্রো থেকে, তো ওখানে দিয়েছে নেক্সাস হুম, সিলেক্ট ট্রাস্ট, ওদের আইপিও আছে, একবার একটু দেখে বলুন ঠিকঠাক কিনা। আই এখন বলবো না, পরে বলবো, এখন আমি আইপি অ্যানালিসিস করতে বসবো, ভেগাটা কমপ্লিট করতে দে। আরে একবার খুলে দেখুন, ওদের কোম্পানিটা একটা রিয়েল এস্টেট বিজনেসে টাকা লাগায়। আচ্ছা দেখছি দেখছি দেখছি, অমন করিস না, বিরক্ত করিস না, দেখছি। ভেগা শিখবি না তো? তাহলে আর আমি, তাহলে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি ভেগা, বিরক্ত করে মারে, বিরক্ত করিস না, এরপর আবার ট্যাক্সের ক্লাস আছে, এমনি দেরি হয়ে যাচ্ছে আজকাল। আচ্ছা তো দেখো স্যার, দেখো পুট অপশনস রাইটার স্টার্টস ওয়েটিং। আচ্ছা ইয়ে চিজ আপ লোগো কল পতা চলা থা কি জব এক স্টক কা দাম अचानक से मार्केट प्राइस चल रहा था 100 पे, और अचानक अगर स्टॉक का प्राइस वोलेटिलिटी के कारण डाउन में जाए, 100 का चीज अगर 90 में आ जाए, तो ऑब्वियस बात है कि जो पुट ऑप्शन सेलर है उनको चिंता हो जाएगा, बिकॉज पुट ऑप्शन सेलर का ये ऑपोजिट व्यू में काम करेगा, है ना। सिमिलरली अगर 100 का शेयर 110 में चले जाए तो कॉल ऑप्शन सेलर को दिक्कत हो जाएगा, है ना, उनको पैनिक आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक पुट ऑप्शन सेलर एक कॉल ऑप्शन सेलर का बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो देयरफॉर क्या कहते हैं सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉल्स एंड पुट्स, व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस द ऑप्शंस प्रीमियम्स हैव ए हायर चांस टू एक्सपायर इन द मनी। नाउ थिंक अबाउट दिस, इमेजिन यू वांट टू राइट 500 कॉल ऑप्शंस व्हेन स्पॉट इज ट्रेडिंग 475 एंड 10 डेज टू एक्सपायर। ध्यान से सुनना सर, आपके पास एक 500 का क्या है, आपके पास एक 500 का स्ट्राइक है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर शेयर है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्टॉक्स आप फील कर सकते हो, यू कैन इमेजिन एनी स्टॉक। 500 का स्ट्राइक प्राइस है जिसका स्पॉट मार्केट माने अंडरलाइन चल रहा है 475, और आपका शेयर जो है वो 10 दिन में एक्सपायर करने वाला, तो एक्सपायरी डेज मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम भी है, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ लोअर साइड में ज्यादा है। तो क्लियरली देयर इज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, बिकॉज आप लोगों को पता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आपको इंट्रेंसिक कुछ मिलेगा नहीं। तो हेंस अजम्पशन द ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 20, तो यहाँ पर यह अजम्पशन था कि आपका जो ट्रेडिंग हो रहा है वो 20 रुपीज में हो रहा है, माने प्रीमियम, है ना, प्रीमियम जिसके ऊपर बेसिकली ऑप्शंस मार्केट में खेल होता है, आप लोगों को पहले भी पता है। तो यहां पर सवाल कर रहे हैं क्या आप इसको राइट करोगे, माने सेल करोगे? यू मे राइट द ऑप्शंस एंड पॉकेट द प्रीमियम। सपोज अगर आप प्रीमियम को लेते हो तो 20 रुपीज कलेक्ट करोगे। हाउएवर व्हाट इफ द वोलेटिलिटी ओवर द 10 डे पीरियड इज लाइकली टू इंक्रीज। अगर अगला 10 दिन में वोलेटिलिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, ध्यान से सुनिए, अगर अगले 10 डेज में वोलेटिलिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, मे बी जैसे कि कोई भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स या इकोनॉमिक रिजल्ट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी बात, जैसे कल सुमित ने जो अभी खबर दिया कि ट्रक के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आया, तो अंबर इंडस्ट्रीज जैसे जो लोग इंटीग्रेटेड एयर कंडीशन सोल्यूशंस बनाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट, स्पेशली फॉर रेलवेज एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रक बसेस एटसेट्रा, उनके शेयर पे गजब का ग्रोथ आ गया सर एक दिन में। तो ये एक ही दिन में वोलेटिलिटी नजर आया। अब बात को समझे सर कि अगर इस तरह का कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है ना शेड्यूल्ड है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या कॉर्पोरेट रिजल्ट जैसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का जनरल मीटिंग का रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी इस तरह का रिपोर्ट मार्केट में आता है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी। अच्छा और एक स्टॉक मुझे याद आ गया, हाँ
सुमित ने पॉजिटिव बात किया, मेरे दिमाग में मैं भूल गया था, IIFL सिक्योरिटी, सुमित सुना है कुछ इसके बारे में? ₹2 সাল के लिए इसको बैन किया, ऐसा खबर है सर। ये ब्रोकिंग फार्म है, ठीक है, ब्रोकिंग एंड फाइनेंस फार्म है। इसका शेयर का दाम देखो 16% में ड्रॉप हुआ है कल, क्योंकि सेबी ने इनको बैन लगाया, क्योंकि इन्होंने कस्टमर का, जो क्लाइंट का फंड को मिसयूज करवाया, क्लाइंट क्लाइंट का जो फंड है उसको मिसयूज करवाया। IIFL सिक्योरिटीज, रुको, आई थिंक दिस वन কি বলছে, নতুন ক্লায়েন্ট 2 বছর আনতে পারবে না, বিজনেস তো বন্ধ করতে পারবে না। इसीलिए देखो आज पॉजिटिव है, गैप डाउन दिया था इसलिए आज पॉजिटिव हो गया, बस इसी बात पे चैलेंज कर दिया। इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि वो लोग चैलेंज किया तो स्टॉक का इफेक्ट देखो आप, गैप डाउन देने के बाद वापस आज पॉजिटिव दे दिया बिकॉज, और आप कैंडल कैंडल भी बोले था। इंफोसिस এর অবস্থা কেমন আছে? ইনফো ভালো আছে, 315 কোটি টাকা কালকে কো-ফাউন্ডার মনে আইআইটি বোম্বে তে ডোনেট করেছে প্রফিট থেকে, 315 কোটি টাকা। Infosys तो देखो always a rich company, as a very rich company, cash rich company। अरे तुम लोग अभी Infosys का बात हो चुका है पहले ही, तू तब नहीं आया था, चुप रह, अभी Infosys का बात मत कर। Infosys is always a good company, जब जब ले लो, जब मर्जी उठा लो सर, जब मर्जी उठा लो और फोल्ड करके रख लो जिंदगी भर के लिए, सवाल नहीं करना है। मैं तो ऑलरेडी Infosys का टारगेट मतलब इनिशियल स्टेज बता दिया था, आई थिंक 1 month back, तब क्यों नहीं लिए, अभी भी ले सकते हो। अच्छा देख सर, मैं बेसिकली आप लोगों को क्यों ये सब थोड़ा सा खबर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ आ जाता है ना, अचानक से कोई न्यूज़ आ जाता है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ जाता है, इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना, या किसी भी तरह का सेबी गाइडलाइंस वाला कुछ आ जाता है, तो ऑप्शंस में एक अचानक से वोलेटिलिटी नज़र आ जाता है। तो सवाल ये उठता है, जब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये कंपेरेटिवली इसका प्रीमियम में चेंजेस आपको और वोलेटाइल नजर आएगा, तो ऑप्शंस कैन इजीली एक्सपायर इन द मनी, हेंस यू मे लूज द एंटायर प्रीमियम, मतलब ₹20 का प्रीमियम जो है वो पूरा लूज हो सकता है, बिकॉज प्रीमियम हाई हो जाएगा, जब समय कम रहेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, प्रीमियम हाई हो जाएगा। मे बी हो सकता है 20 का प्रीमियम 30 में या 40 में सेल करना चालू हो जाए मार्केट में, ठीक है, तो इन दैट केस ये थोड़ा सा आपके लिए सोचने वाला बात होगा, और ऐसा हम लोग नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग में देखते हैं। अब यहाँ पर आप और एक चीज देखो, इनफैक्ट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस और इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो दो चीज होते हैं सर, आप लोग थोड़ा सा ना शांत रहो, आप लोग ना बहुत ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ करते हो, पैसा 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 ज्यादा चलता है दिमाग में, पैसा पैसा कम चलाओ और थोड़ा स्टेबल रहो, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है सर मार्केट के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, जिसका दिमाग स्टेबल नहीं है वो मार्केट में बहुत ज्यादा नॉलेज लेके भी ना कुछ कर नहीं पाएगा, आप बात समझ रहे हैं सर, स्टेबल माइंड होना बहुत जरूरी है, पीस माइंड में काम करना है, आप देखना आप अच्छे कमाओगे, आपको सारा मार्केट में हर चीज ढूंढना नहीं है, 2-4 स्टॉक आप चूज करके चलो उसी में कमा लोगे। इनफैक्ट एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस और एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ऑप्शन सेलर और राइटर स्टार्ट फियरिंग दैट दे कुड बी कॉट राइटिंग ऑप्शंस दैट कैन पोटेंशियली ट्रांजिशन इन द मनी, बट ऐसा नहीं होता है, फियर टू कैन बी ओवरकम फॉर ए प्राइस सिंस ऑप्शंस राइटर एक्सपेक्ट हायर प्रीमियम फॉर राइटिंग ऑप्शंस एंड देयरफॉर द प्रीमियम ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस गो अप व्हेन वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, नो डाउट सर ये होगा, और इसका चीज आप यहाँ पर ग्राफिकली भी देख सकते हो, ये जो मैं आपको अभी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली बताने का बात करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो आप कॉल ऑप्शंस प्रीमियम वर्सेस वोलेटिलिटी, यहाँ पर एक्सपायरी डेज, अलग अलग एक्सपायरी डेज यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं सर, रेड लाइन जो है ये 5 दिन एक्सपायरी का है,
ग्रीन लाइन जो है 15 डेज एक्सपायरी है और ब्लू लाइन जो है 30 डेज एक्सपायरी है, ठीक है। तो जब आपका एक्सपायरी पीरियड कम है, ठीक है, तो अगर मानो जैसे इस साइड में आपको वोलेटिलिटी दिखा रहा है, वोलेटिलिटी वैल्यू 15, 18, 21, 24, 27, आप इधर देखो, और इस साइड में आपका प्रीमियम दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 37 से लेके 187 तक का प्रीमियम वैल्यू ओवरऑल दिया गया है। आप एक चीज देखो कि जितना आपके पास समय ज्यादा है आपका प्रीमियम वैल्यू हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है ना। वोलेटिलिटी लेवल लो है, वोलेटिलिटी लो होगा तो प्रीमियम वैल्यू लो ही रहेगा, हर केस में लो रहेगा, चाहे एक्सपायरी 30 डेज का हो, एक्सपायरी 15 डेज का हो, एक्सपायरी 5 डेज का हो। एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर अगर वोलेटिलिटी लेवल लो है तो आपका प्रीमियम वैल्यू भी, जैसे इसके केस में 107 है, इसके केस में 67 है, इसके केस में 37 है, लेकिन आप धीरे धीरे वोलेटिलिटी लेवल को बढ़ाओ, 18, 21, 24, 27, 30, अगर वोलेटिलिटी लेवल 30 है, ठीक है, और आपका एक्सपायरी, अगर आपका एक्सपायरी समय अभी बाकी है तो ये 167 तक जा सकता है। वोलेटिलिटी और हाई है तो ये 67 से 87 की तरफ जा सकता है। वोलेटिलिटी और हाई है तो ये 5 दिन का वोलेटिलिटी के कारण आपका प्रीमियम वैल्यू 37 से 47 या 50 के तरफ चला जा सकता है। तो ये बेसिकली वोलेटिलिटी के साथ कॉल ऑप्शंस प्रीमियम का खेल है सर, कि प्रीमियम अचानक से क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज वोलेटिलिटी का जो इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। ध्यान से बात को रखना सर, ये हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सपायरी जितना क्लोज आएगा उतना ज्यादा होगा, और उसमें वोलेटिलिटी के इफेक्ट अगर आ जाए तो आप समझ लो कि केस क्या हो सकता है। कल के सर देखिए जी, कल के सर निफ्टी एक्सपायरी छिल तो मंगलवार, তো ওদের স্যার রাতে ওই পুরো তিনে তিনটের সময় 8 টাকা সি আছে 52 টাকা চলে গেছে 10-15 মিনিট। আপ সমঝ রহে হো না কি এসা এসা হোতা হ্যায়, ওই 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 চিজ মে আপ লোগো বাতানে চা রাহা হু, ইস চিজ কা ধ্যান রাখিয়েগা। জেসে ইয়াহা পর পুট অপশনস প্রিমিয়াম ভার্সেস ভোলাটিলিটি কা সেম তরহ কা এগজাম্পল দিয়া গয়া হ্যায়। আব ইয়াহা পর এক্স অ্যাক্সিস জো হ্যায় ইদার ভোলাটিলিটি হ্যায় অর ইদার প্রিমিয়াম ভ্যালু, সিমিলার তরিকে সে। আব আপ ইয়াহা পর চিজো কো অর থোড়া সা সমঝো। जैसे एक्स एक्सिस माने दिस एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट वोलेटिलिटी इन परसेंटेज एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्रीमियम वैल्यू इन रूपी। क्लियरली एज वी कैन सी व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस द प्रीमियम आल्सो इंक्रीजेस। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। द ग्राफ हियर टू गो अ बिट फादर, इट शोज यू द बिहेवियर ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी एंड द नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी, जो मैंने आपको अभी बताने का कोशिश किया। और इस बात का अब ख्याल रखिएगा, जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने जाएंगे हम लोग स्ट्रेटेजी में सब बताएंगे, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रेटेजी में आएंगे ना, मैंने जो एडवांस लेवल ऑफ ऑप्शंस का एक्चुअल एप्लीकेशन एरिया है, वहां पर हम लोग ये सब बातें आपको इजीली, मतलब आपको मजा आएगा उस टाइम पे। लेकिन कारण तो जान लो पहले, नहीं तो तब बोलोगे सर ये सब क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब लुक एट द फर्स्ट चार्ट, दैट इज कॉल ऑप्शंस का। द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी व्हेन देयर इज 30 डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, ऑलरेडी आपको शो कर दिया। When the green and red line represent the change in premium with respect to change in volatility when there is 15 days left and 5 days left for expiry respectively. And red line क्या है? 5 दिन का expiry है और green line जो था 15 days का था। Keeping this in perspective, इस चीज को दिमाग में रखिए, कुछ और भी observations आपको करना चाहिए for both call and puts। क्या observations कर लेना चाहिए? देख लो सर। जैसे कि अगर आप blue line को देखते हो, ठीक है? Blue line माने जो expiry जिसका 30 days बाकी है, जिसका एक्सपायरी 30 डेज बाकी है फॉर कॉल हो या पुट। तो अगर 30 डेज एक्सपायरी के लिए बाकी है, एकदम सीरीज के स्टार्टिंग में द वोलेटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 15% टू 30%, प्रीमियम 97 से 190 में चला जा सकता है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 95.5% चेंज इन प्रीमियम। अगर स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी नजर आए, अगर 15% से लेके 30% तक अगर वोलेटिलिटी चेंज हो जाए, 15% वोलेटिलिटी 30% volatility, और अगर एक्सपायरी में टाइम है वही प्रीमियम 97 से 190 में शिफ्ट हो सकता है, प्रीमियम वैल्यू 95% गैदर हो सकता है, माने मतलब ज्यादा हो सकता है। अब एज ए सेलर एज ए बायर आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, है ना सर। अब अगर आप ग्रीन लाइन देखो, सिमिलरली 67 टू 100 चला गया, रेड लाइन में देखो 38 से 56 चला गया, जस्ट 15% से 30% के वोलेटिलिटी के कारण। इसमें 40% चेंज हुआ, इसमें 50%, इसमें 95.5% प्रीमियम चेंज नजर आया। इसको फिर से दिमाग में रखिएगा सर, कीपिंग द अबव ऑब्जर्वेशन इन पर्सपेक्टिव वी कैन मेक फ्यू डिडक्शंस, लेकिन इस पॉइंट से कुछ चीजें डिडक्ट करना पड़ेगा। मैंने जितना मैंने आपको बताया
इससे कुछ चीजें आपको हटाना पड़ेगा, जैसे द ग्राफ अबव कंसीडर 100% इंक्रीज इन वोलेटिलिटी फ्रॉम 15% to 30% एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रीमियम्स. यहाँ पर आइडिया ये था, द आइडिया इज टू कैप्चर द अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंक्रीज इन वोलेटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू प्रीमियम एंड टाइम. प्लीज बी अवेयर दैट ऑब्जर्वेशंस होल्ड ट्रू इवन इफ द वोलेटिलिटी मूव्स बाय स्मॉलर अमाउंट्स. अगर वोलेटिलिटी 15% से 20% और 30% मूव करे और 100% ना करे, तो जस्ट दैट रेस्पेक्टिव मूव इन द प्रीमियम विल बी प्रोपोर्शनल. अगर 30% के 100% मूव के लिए अगर 95% प्रीमियम चेंज हो रहा है, तो 20% के लिए कितना होगा, ये आप एक प्रोपोर्शनल मूवमेंट समझ सकते हैं, है ना. मैंने आपको 15% से लेके एकदम डायरेक्ट 30% का वोलेटिलिटी दिखाया, लेकिन वोलेटिलिटी कम भी तो हो सकता है, 20% 30% भी तो वोलेटिलिटी हो सकता है. तो उसके ऊपर डिपेंड करके प्रीमियम भी प्रोपोर्शनल अमाउंट में चेंज हो जाएगा. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वोलेटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन देयर आर मोर डेज टू एक्सपायरी. अगर मेरे पास एक्सपायरी टाइम ज्यादा है, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वोलेटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन देयर आर मोर डेज टू एक्सपायरी. दिस मीन्स इफ यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, अगर आप ट्रेडिंग एकदम स्टार्टिंग में हो, द वोलेटिलिटी इज हाई, देन यू नो प्रीमियम्स आर प्लम. मे बी ए गुड आइडिया टू राइट दीज ऑप्शन. अच्छा है कि इस टाइम पे आप सेल करो एंड कलेक्ट द प्रीमियम. इनवेरिएबली व्हेन वोलेटिलिटी कूल्स ऑफ, अगर वोलेटिलिटी थोड़ा ठंडा पड़ जाए, द प्रीमियम ऑल्सो थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा. ऐसे सिचुएशन में आप डिफरेंशियल अमाउंट को पॉकेट करो. जब फ्यू डेज टू एक्सपायरी है एंड द वोलेटिलिटी शूट्स अप, ये सब आइडिया दिमाग में रखिए सर, ये सब ऑब्जर्वेशन है. इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग स्ट्रेटेजी में यूज करेंगे, ठीक है. व्हेन देयर आर फ्यू डेज टू एक्सपायरी एंड द वोलेटिलिटी शूट्स अप एंड द प्रीमियम ऑल्सो गोज अप, आपको पता चल गया कि ऐसा कैसे होता है. बट एज नॉट एज मच एज इट वेयर देयर आर मोर डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, मतलब उतना नहीं होगा जितना नंबर ऑफ एक्सपायरी, अगर ज्यादा दिन अवेलेबल है तो उसके जैसा नहीं होगा. सो इफ यू आर वंडरिंग why your long options are not working favorably in a high volatile environment, make sure you look at the time to expiry, because aapke paas zyada samay nahi hai. Premium high ho jayega but thoda kam rahega. So at this point one thing is clear, with increase in volatility, agar volatility increase karega, the premium bhi increase karega. Ye aapko kahan se milega pata data, aapko pata hai NSE website se aapko volatility ka data available ho jayega. So when with the increase in volatility the premium increases, but the question is by how much. This is exactly what Vega tells us. Samajh gaye sir, Vega hame yahi batata hai ki volatility ke karan premium badhega aur kitna badhega ye Vega batata hai. Vega ka use yahi par hai. Itna mehnat karke hum log ek chhota sa point mein aake khatam hue. सर भेगा का यूज क्या करना है, मैं आपको डायरेक्टली इतना भी बोल सकता था, शॉर्टकट करता तो, कि भेगा क्या बताता है कि वोलेटिलिटी के कारण जो प्रीमियम इंक्रीज करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए भेगा का इस्तेमाल होता है. बट वोलेटिलिटी क्या है, अगर मैं इसी चीज को स्किप कर देता बाई चांस, अगर मैं डिटेल्स में ना जाता वोलेटिलिटी का, तब फिर बात का कोई मतलब नहीं बनता सर, बिकॉज पूरा खेल का जो हीरो है वो है वोलेटिलिटी. हीरो बोलो विलेन बोलो, वोलेटिलिटी है ना. तो भेगा हमें यही चीज बताते हैं, द भेगा ऑफ एन ऑप्शन मेजर्स द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस वैल्यू. वैल्यू माने प्रीमियम. विद एवरी परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी, जितना परसेंटेज वोलेटिलिटी चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपका प्रीमियम वैल्यू कितना चेंज होगा. सिंस ऑप्शंस गेन वैल्यू विद इंक्रीज इन वोलेटिलिटी, द भेगा इज ए पॉजिटिव नंबर. अगर वोलेटिलिटी इंक्रीजेस है तो ऑप्शंस को प्रीमियम को वैल्यू मिल जाता है पॉजिटिवली, तो तब भेगा पॉजिटिव दिखेगा, चाहे कॉल हो या पुट. फॉर एग्जाम्पल इफ ऑप्शन है तो वेगा 0.15, ये आपको दिख जाएगा सर किसी भी सॉफ्टवेयर में वेगा का डेटा. अगर आपको ऑप्शन का वेगा दिखता है 0.15, देन फॉर ईच परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी द ऑप्शन विल गेन और लूज 0.15 इन इट्स थियोरिटिकल वैल्यू. अगर वेगा 0.15 है, अगर वेगा 1.15 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, मैंने Each percent change in volatility, जितना percentage volatility change होगा, options उतना gain करेगा या फिर उतना lose करेगा. 0.15 in this theoretical value. बाबट्टा की बोझा गालो, बाबट्टा की किचोटा बोझा गालो. है सर, हाँ सवाई के जीएस कुछ.
वेगा, वेगा को कैसे यूज करना है या वेगा का एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है, कि वेगा का वैल्यू देख के आपके दिमाग में क्या चलेगा, ठीक है। जब भी आपके सामने वेगा का वैल्यू आ जाएगा तो आपको उस पर्टिकुलर चीजों से क्या दिमाग में चलेगा आपका। जैसे जब भी आपके सामने, अभी मैं ये जो सेंसिबल सॉफ्टवेयर है ना, ये मैं स्ट्रेटेजी में ज्यादा यूज करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा, तब वहां पर आपको मैं हर चीज बताऊंगा, कैसे आप स्ट्रेटेजी बिल्डर से भी कैसे करोगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। बट करेंटली मैं जस्ट आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक दे रहा है सर, ये देखो डेल्टा दिया है, थीटा दिया है, डेका दिया है, सॉरी डीके, ठीक है, गामा दिया है एंड वेगा भी दिया है। जैसे वेगा का वैल्यू कितना दिया है, -0.51, ठीक है। तो ये जो -0.51 है, अच्छा वेगा चेंज हो गया, देखो 0.51 से 0.6 हो गया, लाइव मार्केट में चल रहा है ना, इसलिए -0.6 हो गया। तो -0.6 मैंने बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने अभी क्या बताया, हम लोगों ने अभी ये बताया सर कि अगर आपको कहीं भेगा 0.15 दिख जाए, ठीक है, आप इसी चीज को समझो, अगर आपको 0.15 पॉजिटिव में दिख जाए, देन फॉर ईच परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी जितना परसेंटेज चेंज करेगा ऑप्शंस को उतना गेन और लॉस हो सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली। अब इसको और भी रियल लाइफ में हम लोग और रैंडमली देखेंगे, हम लोग इसको रैंडमली देखेंगे। तो भेगा क्या है, भेगा क्या है सर, भेगा ऑफ एन ऑप्शन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस वैल्यू विद एवरी परसेंटेज चेंज इन वोलेटिलिटी। अगर ये 0.15 में दिख रहा है, माने मार्केट का जो प्रीमियम का वैल्यू है वो उतना परसेंटेज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये होगा आपका भेगा का कॉन्सेप्ट। भेगा का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, प्लीज मुझे बताओ माने भेगा क्या है इतना। अभी इसका यूज तो मैं आपको, एक टॉपिक आएगा सर, सारा चीज एक साथ बताने वाला हूं मैं, आज नहीं सर, नेक्स्ट वीक में बताऊंगा मैं, बिकॉज अभी आपका इस वीक में तो और क्लास नहीं होगा इस हफ्ते में, इसके बाद मैं आपको ग्रीक इंटरैक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ग्रीक इंटरैक्शंस में क्या होगा और ग्रीक कैलकुलेटर में, ये दोनों चैप्टर में मैं आप लोगों को ये बता पाऊंगा सर कि इतना सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया है ना, डेल्टा, गामा, वेगा, डेका, है ना, सॉरी डीके, ये सारा चीज सीखने के बाद इसको इंटरैक्ट करना है, तो वो चीज मैं एक साथ आपको बताऊंगा कि आखिर जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बिल्डअप करेंगे तो सारा चीज एक साथ कैसे लेंगे। फिलहाल तो मैं बस इंडिविजुअल लेवल में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक होता क्या है उस तक पहुंचने का कोशिश किया, जिसमें बीच बीच में कुछ समुंदर क्रॉस करना पड़ा, कभी नदी क्रॉस करना पड़ा कि भाई ये सब चीजें होता है। तो जैसे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन कुछ बोला है, थोड़ा आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है धीरे धीरे, तो कहाँ बढ़ेंगे आगे, हम लोग बहुत सारा चीज धीरे धीरे पढ़ के आ गए, डेल्टा, गामा, है ना, सब बहुत सारा चीज हम लोग ग्रीक में पढ़ के आ गए। अब इसी चीज को हम लोगों को आगे फॉरवर्ड में लेके जाना है, अगला कुछ चैप्टर्स आपको कंबाइन करके बताएगा। वी स्टार्टेड विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑप्शन स्ट्रक्चर, याद करो जरा, हम लोग जब ऑप्शन स्टार्ट किए थे तब हम लोगों ने ऑप्शन का बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किए थे, है ना, एंड देन प्रोसीड विद द अंडरस्टैंडिंग द कॉल एंड पुट, है ना, कॉल क्या है, पुट क्या है, फ्रॉम बोथ बायर्स एंड सेलर्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड किए टू अंडरस्टैंड द मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि एक ट्रेडर को, एक ऑप्शन ट्रेडर को क्या क्या रास्ता से गुजरना पड़ता है, सीखने का भी और यूज करने का भी। फिर हम लोग मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन में गए, फिर वहां पर हम लोग कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज को देखें विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन। फार्दर वी अंडरस्टूड ऑप्शंस ग्रीक, जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा एंड लास्टली रिसेंटली हम लोगों ने वेगा क्या है वो बताया विद अ मिनी सीरीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड वोलेटिलिटी। बीच में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को भी कवर अप किए और वोलेटिलिटी को भी कवर अप किए। अब हम लोग उस स्टेज में आ गए धीरे धीरे, एट दिस स्टेज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन ग्रीक्स इज वन डायमेंशनल, हम लोग एक डायमेंशन पे ग्रीक को समझने का कोशिश किए। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट as and when the market moves the options premium moves owing to delta, but in reality there are several factors that work simultaneously. aap baat ko samajh rahe, delta ke karan premium mein changes hota hai, we know that, but reality mein premium change ka aur bhi karan hote hain,
on one hand we can have market moving heavily, at the same time volatility could be going crazy, hai na, market heavy move kar raha hai, volatility bhi crazy hua hai, liquidity of options getting sucked in and out, and all of this while the clock keeping streaking, basically हमें टाइम पे चिंता हो जाता है. इनफैक्ट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ऑन एन एवरीडे बेसिस इन द मार्केट. माने मार्केट सिर्फ एक तरीके से बात काम नहीं करता कि भाई सिर्फ ग्रीक देखो और ट्रेड करो, नहीं ऐसा भी नहीं है. आपको एट ए टाइम बहुत सारा चीज दिमाग में रखते हुए चलना है. ये थोड़ा सा ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनके लिए कि भाई इतना सारा चीज मैं कैसे यूज करूँ, है ना, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं. That they quickly rebrand the market as a casino. फिर वो क्या सोच लेते हैं कि मार्केट ये सब इतना सारा चीज एक साथ, तो फिर एक कैसिनो जैसा हो गया. सो यू अब कोई बोलेगा मतलब कैसिनो, मैंने समझ रहे हो ना, जुआ जैसा, ठीक है. तो बेसिकली सर ऐसा नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हो, कैसिनो नहीं है मार्केट. मार्केट बहुत सारा चीज है, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, टेक्निक्स है, फंडा है. एनी वे द पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू मेक दैट ग्रीक्स मैनिफेस्ट इट सेल्फ ऑफ द प्रीमियम्स. ग्रीक बेसिकली प्रीमियम को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, एंड देयर फॉर द प्रीमियम वेरी ऑन ए सेकेंड बाई सेकेंड बेसिस. सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर टू फुल्ली अंडरस्टैंड दीज इंटर ग्रीक इंटरक्शन ऑफ शॉर्ट्स, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा. इंटर ग्रीक इंटरक्शन मतलब एक ग्रीक के साथ दूसरा ग्रीक का क्या रिलेशन है और उसके ऊपर. और मैं एक चीज आपको लास्ट एक दिन मैं बोला था पहले बताऊंगा, बट हुआ नहीं था, अब बताऊंगा सर नेक्स्ट क्लास. Black-Scholes ऑप्शंस प्राइसिंग फॉर्मूला, मैंने हल्का आइडिया दिया था पर डिटेल्स में नहीं जा पाया, मैं बोल के भूल गया सर. एक्चुअली मैं थोड़ा सा फॉरगेट कर गया कि Black-Scholes का फॉर्मूला मुझे बताना है. तो इंटर ग्रीक का जो इंटरक्शन होने वाला है, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे समथिंग दैट हैपेंड वेरी रिसेंटली, जैसे उस टाइम पे ये जब ये कॉन्सेप्ट को लिखा जा रहा था किताब को, तो इस टाइम पे इसमें कुछ चीजें बताया जा रहा था दैट बाय नाउ एवरीवन रिमोटली कनेक्टेड द स्टॉक मार्केट वुड नो दैट 24th August 2015 इंडियन मार्केट डिक्लाइन क्लोज टू 5.92%. ऐसे ये बीच में बहुत और भी कारण है, बहुत बार मार्केट गिरा है सर, है ना. तो मार्केट गिरने के पीछे कई बार कुछ रीजंस भी होते हैं, है ना. तो जैसे उस टाइम पे एक और सिंगल डे डिक्लाइन हुआ था हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में, एक सिंगल डे में बहुत ही खतरनाक डिक्लाइन हुआ था. नन ऑफ द फ्रंट लाइन स्टॉक सर्वाइव the onslaught and they all declined by 8-10%, है ना. कोई भी मतलब निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाया था, सारा गिरा था. पैनिक डे सच एज दीज आर द कॉमन ऑकरेंस इन इक्विटी मार्केट, ऐसा हो सकता है बीच बीच में. हाउएवर समथिंग अनयूजुअल हैपेंड इन द ऑप्शन मार्केट ऑन 24th August 2015, ठीक है. ऐसा कुछ डेटा आपके सामने है, देखो आप 490 पॉइंट्स में मार्केट गिरा था उस टाइम पे. तो ऐसा आजकल भी होता है ना. आप लोग मुझे बताते रहते हो सर 200 पॉइंट में गिर गया, सर 300 पॉइंट में गिर गया, सर 400 पॉइंट में गिर गया, इरोड हो गया, डिक्लाइन कर गया. जैसे यहाँ पर देखो सीएनएक्स निफ्टी, ठीक है, 7809 में गिर के आ गया, 490 पॉइंट नीचे गिरा था. तो ऐसा नहीं कि मार्केट में जो आज चल रहा है वो पहले नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है. जो आज देखने को मिल रहा है 8000 से 7809 में, पहले भी इस तरह का सिचुएशन हुआ था, आज भी होता है. तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है, सर आप इधर और एक चीज देखो, मार्केट इधर गिरा बट इंडिया वीक्स को देखो आप, इंडिया वीक्स शॉर्ट अप बाय 64%. मैं आपको कल बताया था कि इंडिया वीक्स जो है वो क्या दिखाता है सर, इंडिया वीक्स और निफ्टी में क्या फर्क है. हाँ सर बोलो सर. इंडिया वीक्स और निफ्टी एक मासर वोलेटिलिटी. थैंक यू सर. इंडिया वीक्स एक्चुअली निफ्टी का वोलेटिलिटी है, निफ्टी नहीं. जैसे कल भी देखो आप जो मार्केट, जैसे कल से थोड़ा सा टर्मोइल हो रहा है ना, आप देखो इंडिया वीक्स कैसे वोलेटाइल का इमेज आपके सामने दिखा रहा है. ये देखो गिर गया था, पहले गिरा था फिर उठा, ये बेसिकली दर्शाता है. जब निफ्टी गिरता है या निफ्टी में कुछ भी वोलेटिलिटी नजर आते हैं, उसी वोलेटिलिटी को ये अपने इंडेक्स में दर्शाता है. और ये जो इसका जो आप होना माने, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म माने वोलेटिलिटी बढ़ा है मार्केट में, यही बताना चाहता है, ठीक है. ये चीज आप आज भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप पुराने जमाने में भी ऑब्जर्व किए होंगे. मतलब मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला है और बदलेगा भी नहीं सर, वो बदलेगा भी नहीं, बिकॉज ये सब बेसिक्स है. निफ्टी गिर रहा है 490 पॉइंट में, इधर वोलेटिलिटी शॉर्ट अप हो गया है 64% में, ठीक है. इधर देखो आप कॉल ऑप्शंस प्रीमियम में, देखो आप यहाँ पर जो हुआ था, अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको, इतिहास क्या है सर,
इतिहास फिस फिस कथा कहे, हाँ एक बहुत फेमस बंगाली सीरियल होता था, जो भी हो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है। लुक एट सर, यहाँ पर प्रीमियम वैल्यू में चेंजेस देखो, और परसेंटेज चेंजेस देखो, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस में देखो, और ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम का चेंजेस देखे आप। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है प्रीमियम का, और ये परसेंटेज चेंजेस देखो, ये वोलेटिलिटी के कारण हुआ है। अब मैं आपको ये चीज को समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है या क्या हुआ था, ऐसा आज भी देखने को मिलेगा। जो लोग ऑप्शंस के साथ रेगुलरली मोटा मोटी चालू कर चुके हो, ट्रेडर्स फैमिलियर थी, तो ऑप्शंस नो दैट द कॉल ऑप्शंस प्रीमियम डिक्लाइन व्हेन मार्केट डिक्लाइन, है ना, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम डिक्लाइन करते हैं जब मार्केट डिक्लाइन करता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉल ऑप्शंस प्रीमियम जो मतलब स्पॉट मार्केट के आसपास से थोड़ा नीचे है, स्ट्राइक्स बिलो, जैसे पुराने जमाने में इस टाइम पे 8600 के नीचे जो था, ठीक है, 8600 के नीचे जो था डिड डिक्लाइन इन वैल्यू, बट ऑप्शन स्ट्राइक्स अबव 8650, ऑप्शन स्ट्राइक अबव 8650 बिहेव डिफरेंटली। जो 8600 के नीचे है वो गिरा है, बट जो 8650 के ऊपर है, जैसे 8650, 8700, 8800, ये डिफरेंट बिहेव किया है। इसका प्रीमियम जो है, देयर प्रीमियम इज अपोज टू द जनरल एक्सपेक्टेशन, डिड नॉट डिक्लाइन, रादर इंक्रीज बाई 50-80%, 50-80% में बढ़ा है। दिस मूव हैज perplexed many traders, with many of the traders attributing this move to random theories such as rate rigging, market manipulation, technological inefficiency, liquidity issues, etc. But इसमें भी थोड़ा चिंताजनक बात है, हो सकता है कि market efficiency है, liquidity issues है, but ये option theory में ये logic भी आपको जानना पड़ेगा कि अचानक से 8600 का जो स्ट्राइक था उसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइसेस है, 8600 के नीचे जितना स्ट्राइक है इसका प्रीमियम डिक्लाइन कर गया, बट 8600 के बाद का जितना स्ट्राइक प्राइस है ये सब अप हो गया, इसका प्रीमियम में पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। तो इसके पीछे कई बार कई लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन सर आप लोग जितना आगे आगे इंटरेक्शन को देखोगे ना, आपको ऐसे ऑड चीज भी देखने को मिलेगा। So we know the options premiums are influenced by sensitivity factors, जिसको हम लोग options Greek कहते हैं। Delta, as you know, captures the sensitivity of options premium. Delta क्या है? Options premium का sensitivity है। याद रखे सर, वापस recall कर रहे हैं। If the delta of a particular call options is 0.75, then for every 1 point increase or decrease in underlying, अगर spot market 1 point में increase या decrease होता है, premiums is expected to increase or decrease by 0.75 points. We know that, ये पहले भी हम लोग डेल्टा में पढ़ चुके हैं, और अगर आप डेल्टा भूल चुके हो या डेल्टा के बारे में थोड़ा बहुत याद नहीं है तो आप डेल्टा रिकॉल करके रिवाइज कर लो। जैसे 24 अगस्त जो हुआ था, पुराने 2015 के आसपास का डेटा है ये, निफ्टी डिक्लाइन 490 points, सो ऑल कॉल ऑप्शन विच हैड नोटिसेबल डेल्टा, ठीक है, जैसे 0.2 था, 0.3 था, 0.6 एक्सेट्रा, ठीक है, वो भी डिक्लाइन कर गया था। टिपिकली इन द मनी ऑप्शंस एज ऑन 24 अगस्त, ऑल स्ट्राइक्स बिलो 8600 टेंड टू हैव नोटिसेबल डेल्टा, देयरफॉर ऑल देयर प्रीमियम डिक्लाइंड विद द डिक्लाइन इन अंडरलाइन, क्योंकि अंडरलाइन गिरा तो ये भी गिर गया। जिनको समझ नहीं होगा उनको लगेगा कि भाई क्यों क्यों गिर गया, है ना, सेंसिटिविटी को समझ ही नहीं पाया। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस यूजुअली हैव वेरी लो डेल्टा, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं उनका डेल्टा नॉर्मली लो होते हैं, आप लोगों को पता है, ये सब पुराना डिस्कशन हो रहा है, या फिर उससे भी कम हो सकता है। दिस मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द मूव इन द अंडरलाइन, द मूवमेंट इन द ऑप्शंस प्रीमियम विल बी वेरी रेस्ट्रिक्टिव, ऑप्शंस प्रीमियम का मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। तो ऐसे केसेस में 24 ऑल ऑप्शंस अबव 8600 वेर आउट ऑफ द मनी, ऑप्शंस विद लो डेल्टा वैल्यूज हेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैसिव फॉल इन द मार्केट दीज कॉल ऑप्शंस डिड नॉट लूज मच प्रीमियम। ये रीजंस है, ये रीजंस है। आई होप कि आपको डेल्टा याद है, अगर डेल्टा याद नहीं है तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप एक बार वापस ग्रीक को पूरा सुनो, ग्रीक इतना थोड़ा ट्रिकी है, मैं बोलूंगा कि ग्रीक टफ नहीं है, ग्रीक थोड़ा ट्रिकी है, जरूरत पड़ने से 2-4 बार सुनना पड़ता है या फिर खुद लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना पड़ सकता है, तब जाके ग्रीक समझ में आता है। व्हाई सर्टेन कॉल ऑप्शंस डिड नॉट लूज वैल्यू बट व्हाई डिड द प्रीमियम गो अप, द आंसर टू दिस लाइज इन वेगा, the options Greek which captures the sensitivity of market volatility on options premium, है ना, जो मैं अभी आपको भेगा सिखा रहा था। With increase in volatility, अगर market में volatility बढ़ गया है
जैसे कि आपने अभी देखा 2015 के 24th अगस्त में भी सेम चीज हुआ था, और आप करंट लेवल का डेटा निकालो आपको अभी भी दिखेगा, करंट लेवल में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा दिखेगा। जो मैं आपको पुराने डेटा से पढ़ा रहा हूँ आप इसी चीज को करंट मार्केट में भी देख सकते हो, है ना। जैसे रिसेंटली इंडिया विक्स देखो वोलेटिलिटी बढ़ा है, और मार्केट में जैसे कल मार्केट गिरा था उसी का इफेक्ट देखो, आज फिर से देखो मार्केट क्योंकि थोड़ा सा शूटअप हुआ है, वोलेटिलिटी आज थोड़ा लो है, आज वोलेटिलिटी कॉम्पिटेटिवली लो है आज का मार्केट में, यस और नो? आज का मार्केट कॉम्पिटेटिवली लो कम है वोलेटिलिटी, इसलिए आज ये थोड़ा सा झुका हुआ है। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होता तो ये और ज्यादा हो जाता, आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे सर। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं सर, 24th अगस्त वोलेटिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट शॉर्ट ऑफ 64%, दिस इंक्रीज इन वोलेटिलिटी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड बाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स। विद इंक्रीज इन वोलेटिलिटी आप लोगों को और भी चीज पता है सर, वोलेटिलिटी का वेरियस रीजन होते हैं, द वेगा ऑफ ऑल ऑप्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर रेस्पेक्टिव प्रीमियम ऑल्सो इंक्रीज्ड, द इफेक्ट ऑफ वेगा इज पर्टिकुलरली हाई फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, सो ऑन द हैंड द लो डेल्टा वैल्यू ऑफ आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन प्रिवेंटेड द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम डिक्लाइनिंग, वाइल अदर हैंड हाई वेगा वैल्यू इंक्रीज द ऑप्शन प्रीमियम फॉर दीज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। इसीलिए क्या हुआ 24th अगस्त को क्या हुआ था, 2015 का जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को अनयूजुअल डेटा देख रहे हो, कॉल ऑप्शंस प्रीमियम इंक्रीजिंग 50-80% ऑन ए डे व्हेन मार्केट क्रैश 5.92%, मार्केट क्रैश किया पर फिर भी कॉल ऑप्शंस प्रीमियम 50-80% में बढ़ चुका है, और ये इसलिए हुआ है भेगा के कारण, ये सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी के कारण हुआ था। कुछ माथा में जा रहा है सर? ये मैं आपको एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताया कि ये जो प्रीमियम का खेल है और ये जो डेल्टा भेगा का खेल है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरत पड़ेगा सर। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क है, रहना चाहिए क्वेश्चन तो दिल में रहना चाहिए, इस क्वेश्चंस का जवाब आपको मैं नेक्स्ट वीक ही बताऊंगा, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट वीक जब ग्रीक इंटरैक्शंस एंड फिर धीरे धीरे स्ट्रेटजी बिल्डअप की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों का ये सब सवाल का जवाब और क्लियर होगा। बट तब तक मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग घर पे अभी तक मैंने आपको ऑप्शंस ग्रीक कंप्लीट कर दिया, मेन जो ग्रीक था सारा कंप्लीट कर दिया, कुछ और भी एक्स्ट्रा ग्रीक यूज होता है जो मेन चार में नहीं है बट और भी चीज़ों में काउंट होता है, ये सारा चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, ठीक है, मतलब आगे आगे धीरे धीरे, लेकिन मेन जो ग्रीक है जो जरूरी होता है फॉर एग्जाम पर्पज एज वेल एज फॉर योर स्ट्रेटेजी पर्पज, आप प्लीज रिक्वेस्ट इसको गो थ्रू करके रखो, ठीक है। अब ये अपकमिंग वीक थोड़ा सा ऑफ भी रहेगा, तो जिसका जो भी बाकी है जिसको जो भी रिवाइज करना है आप करके रखो, मैं नेक्स्ट वीक आके आपको इंटरेक्शंस के ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कशंस दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, अभी तक का नॉलेज को पूरा एकदम सम अप करने में भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे सर बेबट्टा बोझा गया तो अरे बोझा गैलो की गैलो ना बॉल की असुविधा संपत की एक आईपीओ बोल चली हम आगे निक्टस चार अंतिम लंच की एचएम एग्रो निक्टस चार ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডে ইনভেস্ট করে, এটা এক ধরনের ফান্ড হয় মিউচুয়াল ফান্ডের মতো হয়, ঠিক আছে, ট্রাস্টে, যেখানে বেসিক্যালি ফান্ডের টাকাগুলো ফান্ড কা জো ভি পয়সা রহেগা না ইসকো বেসিক্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল এরিয়া মে ওটাই দেখছিল ওরা শুধু মানে প্রজেক্ট মানে প্রজেক্ট দিয়ে সেটা কাজ করে ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্ট কি ফান্ড মে পয়সা ডালতে আর ওয়াসে জো রিটার্ন আতা হ্যায় উনকো ওয়াসে ইনকাম মিলতা হ্যায়। यस सर।
ঠিক আছে, পরে কখনো হলে আমি ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে? আমি পরে ডিসকাস করে দেবো। প্রফিটেবল, ভালো প্রফিটেবল কোম্পানি আছে না? টাকাটা দেখবে, মিডিলে একটু লস খেয়েছে, বাট আবার একটু প্রফিট আছে। টাটাটা একবার দেখবে, এটা টাটা টেকনোলজি, টাটা টেকনোলজি চলে এসেছে, চলে এসেছে? না না আসেনি, আসবে করছি, আসবে আসবে করছি। ঠিক আছে, ততক্ষণে আসুক তোরা তাহলে, ততক্ষণ বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস কর। আচ্ছা, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে তো কি মানে আমরা গ্রিকে কোন দিকে যাচ্ছি? হ্যালো, গ্রিকের ইউজ গুলো বোঝা যাচ্ছে নাকি খুব কঠিন মনে হচ্ছে এবারে? না স্যার বুঝতে পারছি, পাচ্ছিস তো? একটু ট্রিকি, একটু পেশেন্স রাখ, আর দু চারটে ক্লাসের পর দেখবি, মানে এতদিন পেশেন্স রাখলি, আর দু চারটে ক্লাস পেশেন্স রাখ, দেখবি পুরো কনসেপ্টটা একদম জলের মতো মনে হবে। আমি সেটাই চেষ্টা করছি, আমি জাস্ট একটু আইডেন্টিটি গুলো আইডেন্টিফাই গুলো করিয়ে দিলাম। এইবারে এগুলো যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব, তাহলে সুবিধা হবে কি আমরা বুঝতে পারবো কি আলটিমেটলি জিনিসগুলোকে নিয়ে কিভাবে নাড়াঘাটা করতে হবে। ঠিক আছে, এখন আমরা নাড়াঘাটা করতে শিখিনি, আমরা জাস্ট জিনিসগুলোকে অল্প অল্প করে জানলাম, কি আছে এটা এটা হয়, এটা ওটা হয়, ঠিক আছে? মিডিল একটু ভোলাটিলিটি কনসেপ্টটা খুব দরকার ছিল, সেটাও বলে দিলাম। এবারে আগে আগে আমরা ইন্টারাকশন আর স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজমেন্টে যখন যাব, মানে স্ট্র্যাটেজি ম্যানেজমেন্ট মানে অপশন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট, তখন এই জিনিসগুলোর ওভারঅল ইউটিলাইজেশনটা বুঝতে পারবি। ঠিক আছে, বাড়িতে প্র্যাকটিস সবাই করতে থাকো, ঠিক আছে? তো ফের নেক্সট ক্লাস নেক্সট উইকে মিলেঙ্গে, আই থিঙ্ক থার্সডে, আই থিঙ্ক থার্সডে। এবং 27 কো বাপস আয়েঙ্গে, 27 বাপস আকে শায়দ থোড়া মুশকিল হো জায়েগা, 28 সে ক্লাস বাপস কন্টিনিউ করেঙ্গে। আর ইন দা মেন টাইম মে আপ লোগো কো না কোয়েশ্চেন দেকে যাওঙ্গা, ঠিক হ্যায়? मैं आज ही आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करके जाऊंगा इक्विटी डेरिवेटिव का, एज वेल एज जो लोग फाउंडेशन का भी एग्जाम दे रहे हैं शेयर मार्केट का, उनके लिए भी मैं फाउंडेशन का भी देके जाऊंगा, ठीक है? आज आज रात तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। एटलीस्ट 200-250 क्वेश्चन तो अभी मेरे पास रेडी है, मैं वो कर देता हूँ, बाकी 200-250 क्वेश्चन मैं आने के बाद आप लोगों को, ठीक है? की কিছুদিন আগে আমি আমাকে 200টা প্রশ্ন পাঠিয়ে দিলাম। ও, যাকে পাঠিয়েছি তার আর লাগবে না, সে প্র্যাকটিস করুক। যাদেরকে পাঠাইনি, যেমন গীতিকাকে পাঠাইনি, পিয়ুষকে বোধ হয় পাঠাইনি, আমাকে স্যার পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ পাঠিয়ে দিন স্যার, কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে তারা থেকে।